यो फ्रेंड्स, आपका एक बार और स्वागत है हमारे चैनल माय कंट्री माय राइट पे। आज मैं, मयूर और इरफान आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिव अवे लेके आए हैं। जो गुडीज आप इस टाइम हमारे हाथ में देख रहे हैं, जो कि जाएगा किन्हीं तीन लकी विनर्स को। और उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है दोस्तों। ज़्यादा मुश्किल क्राइटेरिया हम लोग कभी भी नहीं रखते किसी भी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखना है हैशटैग माई कंट्री माई राइट, हैशटैग राइडोफाई, और उसके साथ कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दें, और उसके बाद का क्राइटेरिया मयूर भाई बताएंगे। इसके बाद आपको करना केवल इतना है कि इंस्टाग्राम पे जाके टैग करना है माई कंट्री माई राइट को, राइडोफाई को, और अपने एक ऐसे फ्रेंड को जो कि एक बाइक लवर फ्रेंड है। और आप में से किन्हीं तीन लोगों को हम लोग चुनेंगे और भेजेंगे ये स्पेशल गुडीज। नो मैटर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, हम लोग आप तक ये गिव अवेज पहुंचा देंगे। तो अगर पार्टिसिपेट करना है और जीतना चाहते हो ये स्पेशल गुडीज, तो अभी जाओ, कमेंट करो, टैग करो, और अपने फ्रेंड को बताओ कि मॉडिफिकेशन होती है कहाँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आज की वीडियो भी होने वाली है बेस्ट ऑफ बेस्ट। और हम आपको दिखाएंगे राइडो फाई का बहुत ही क्लीन और सुंदर मॉडिफिकेशन बाइकों का स्टॉक। दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माई कंट्री माई राइट। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री माई राइट के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आज हम आए हुए हैं राइडो फाई दिल्ली पे, और आपको दिखाएंगे इनकी बाइकों की मॉडिफिकेशन, और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये लोग रॉयल इनफील्ड को या किसी भी बाइक को मॉडिफाइड करते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है, क्योंकि अभी हम खड़े हुए हैं तिलक नगर में राइडो फाई के स्टोर के अंदर। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन की अगर मैं आपको कुछ स्नीक पीक बताऊँ, तो जैसे अभी ये वाली बाइक देख पा रहे हो, अभी ये वाली बाइक मॉडिफिकेशन अभी मतलब हो रही है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे पोर्श का साइन भी है, डबल सीट भी है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी ही आपको मॉडिफिकेशन मिलती है राइडो फाई पे। और आज हम आपको कुछ सिलेक्टेड बाइक्स दिखाएंगे, जो कि 5 से 6 बाइक रहेंगी जो आपको दिखेंगी मॉडिफाइड। उस मॉडिफाइड बाइक को आप देख के सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके की मॉडिफिकेशन करवानी है और आपको किस तरीके का काम करवाना है। तो अब बढ़ते हैं हम बाइकों की डिटेल की तरफ और आपको दिखाते हैं कि राइडो फाई की आज कुछ मॉडिफाइड बाइक्स जो कि बहुत ही सुंदर रहेंगी और हमारे साथ होंगे डिटेल बताने के लिए। आप पहचान पता नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे, भैया की थोड़ी नई लुक है। तो हमारे साथ है मयूर भाई। मयूर भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? सबको एक बार नमस्कार जरूर कर दो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप बताओ कि आज हमें क्या क्या दिखाने वाले हो? मुझे ना सबसे पहले एक पोर्श वाली दिखी, तो उसके बारे में थोड़ी देर बताओ कि कस्टमर ने वो जो पोर्श वाला साइन है वो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट करी थी। बिल्कुल, देखिए कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि एज़ पर योर डिमांड एंड आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको पोर्शे चाहिए, फिरारी चाहिए, अच्छा कुछ BMW चाहिए, अपना नाम भी चाहिए, अपना नाम भी चाहिए, इवन लेजर इंग्रेविंग में आपको अपना नाम चाहिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, बहुत तरीके से बहुत सारे काम जो है करे जा सकते हैं। आज की वैरायटी क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग विद बाइक विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हार्ले फैटबॉय टू एन एवेंजर विच लुक्स लाइक हार्ले डेविडसन। और काफी सारी रॉयल एनफील्ड हैं जो यहाँ पे रेडी करी हुई हैं। और ये तो एक कुछ बाइक्स हैं, कुछ बाइक्स क्योंकि और भी रेडी हो चुकी हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं कर सकते अभी। मैं सबसे पहले, मैं ये जो बाइक है ये बहुत आई कैचिंग बाइक है, मुझे वो वाली टर्मिनेटर पिक्चर जो है वो याद आती है आर्नोल्ड की। अब जैसे ही मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो आप इसकी जो शेप है ना वो अब आप देखिए। मयूर भाई, इस बाइक को बनाने का क्या मकसद था और या कस्टमर की क्या डिमांड थी इस बाइक को जब बनाया आपने? कस्टमर वांटेड कि यार मेरी बाइक शुड लुक लाइक फैट बॉय। ओके, एंड जब हम इस बाइक का ट्रायल ले रहे थे तो लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि यार ये फैट बॉय है एक्चुअल में या नॉर्मल रॉयल एनफील्ड पे काम हुआ है। ये कौन सी रॉयल एनफील्ड पे काम हुआ है? ये एक इलेक्ट्रा बाइक थी रॉयल एनफील्ड की, और इसको हमने इस तरह से पूरा कस्टमाइज किया हुआ है। बट देन अगर आपकी बाइक रॉयल एनफील्ड की कोई सा भी मॉडल, यानी कि स्टैंडर्ड
थंडरबर्ड, क्लासिक, कुछ भी हो तो उस तरह का कस्टमाइजेशन हो सकता है। और मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी मेजर फ्रेम चेंजेस नहीं किए गए, रादर इसमें कोई भी फ्रेम चेंजेस नहीं किए गए, चेसी बिल्कुल सेम है, जैसी थी वैसी ही रखी गई है, चेसी और इंजन को छोड़ के बाकी सब चीज इसके अंदर, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है चेंज की गई। चाबी का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस तरफ दिया गया है। लाइट्स भी टैंक के नीचे लगाई गई है जो कि इसको बहुत ही अच्छा लुक देती है। ओके, ये लो, स्टार्ट हो गया भाई। कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी लाइट। और सच है ये बिल्कुल बात की पहचानना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों एग्जॉस्ट जो आप देख रहे हो, दोनों ही एग्जॉस्ट वर्किंग है। okay. और दोनों ही इंटरकनेक्टेड एग्जॉस्ट है। कीमत के बारे में बात करते हैं कि कितने पैसे लग सकते हैं ऐसी खूबसूरत बाइक के लिए। देखिए बाइक हटा के है ये जो कॉस्ट हम बताते हैं वो हमेशा कस्टमाइजेशन यानी कि मॉडिफिकेशन की कॉस्ट रहती है। अगर आप चाहते हैं बाइक भी हमसे लेना तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग रहती है वो एक्स्ट्रा रहती है। अभी मॉडिफिकेशन की प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी क्या कॉस्टिंग है अप्रॉक्स? 2,50,000 के अप्रॉक्स इसकी कॉस्टिंग आती है, जिसमें कि पीछे हमने एक 150mm का ब्रॉड टायर लगाया हुआ है, आगे ब्रॉड टायर लगाया हुआ है। और अगर आप हार्ले फैट बॉय की बात करते हो जो कि ओरिजिनल, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद हार्ले, लेकिन जो लुक है थोड़ा सा यार एक वो एटलीस्ट फील तो हो जाता है, एटलीस्ट फील ही सही। तो भाई अब मैं ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार राइड ऑफ फाइन ने जो बाइकें मॉडिफाइड की है वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग की है। ये मेरा ही टेस्ट है, आप ये समझ लो कि अगर मैं बाइक को मॉडिफाइड कराऊंगा तो यही मेरा टेस्ट है और यही अपने को लुक चाहिए और इतना ही छोटा अपने को भी हैंडल चाहिए। मतलब ये जो चीज़ है ना, क्योंकि मेरे को आयरन 883 और 48 का बड़ा शौक है, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप देखो मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ। और जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छा है, ब्लैक के साथ जो गोल्ड का, ये आजकल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बिल्कुल। और क्योंकि बहुत बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, आप देख रहे हैं ब्लैक येलो वैसे ही अच्छा होता है और ब्लैक के साथ गोल्डन हो जाए तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। सही में ये एक क्लासिक पे बनाई गई है, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइक पे किया गया है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास क्लासिक है, इलेक्ट्रा है, स्टैंडर्ड है, कोई सा भी मॉडल आप इस तरह से कस्टमाइज करवा सकते हैं। और सारे चेंजेस जो आप देख रहे हो, जैसे कि आपने ऑब्जर्व कर ही लिया है कि यार कस्टमर की हाइट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट रखी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कस्टमर शुरू हो जाती है। okay. अगर आप एक्सेसरी लगवाना चाहते हो तो 200 रुपए से लेकर स्टार्टिंग है एक्सेसरीज की। जैसे कि आपने पूछा कि यार टैंक अगर चाहिए या फिटिंग चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे में इतना पैशन है या आप में इतना पैशन है कि यार मैं बाइक खुद बनाऊंगा, तो आई ऑफर यू द स्टफ, आप चाहे हमसे टैंक, मडगार्ड, सारी वो भी अवेलेबल ले लीजिए। okay. और उसको अपने पास अपने आप लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिक है जो इतना अच्छा काम कर सकता है तो वो भी उसको लगवा सकते हैं। तो अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को काम राइड ऑफ आई से करवाना है क्योंकि काम एक नंबर करके देते हैं, फिनिशिंग एक नंबर है, तो भैया आपको सिर्फ टैंक भी भेज सकते हैं बना के, बिल्कुल भेज सकते हैं। और यही टैंक अगर आपको मैं रॉ कंडीशन में भेजता हूँ तो फिटिंग आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके और उसमें फिर रीपेंट भी अपने अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पिक करते हैं, चेरी पिक करके उनको कराते हैं, जैसे कि ये साइलेंसर के ऊपर आप देख सकते हैं, हाँ जी, टी बोन को कराया हुआ है, कुछ नट बोल्ट्स हैं सारे वो कराए हुए हैं, पीछे रियर की जो मडगार्ड की फिटिंग्स रहती हैं उस पर हमने ये कराया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो लगभग 1,60,000 रुपये के इसके आसपास इसका प्राइस आता है मॉडिफिकेशन का। और अगर आपके पास बाइक अवेलेबल है तो हम उस पर ये कॉस्ट लेके आपको कस्टमाइज करते हैं और बाइक हम आपके यहाँ से पिकअप भी करवा सकते हैं और ड्रॉप भी करेंगे। माई कंट्री मैरिट व्यूवर्स के लिए और फैमिली के लिए कुछ बेनिफिट तो दोगे ना आने के बाद? बिल्कुल, जब वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए स्पेशल एक सरप्राइज गिफ्ट भी उनको यहाँ से दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब एक डिफरेंट मशीन है हमारे पास जो मुझे काफ़ी अलग लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बनी है, भैया से जानता हूँ, लेकिन जो इसकी मॉडिफिकेशन है वो बहुत ही सोनी है जी, पंजाबी में कहें तो सोनी लग रही है। बाइक भैया से पूछते हैं। देखिए ये जो आप मॉडल देख रहे हो इरफान भाई, ये हमने इसको नाम दिया है बॉब कैट। okay. और ये पूरा कंप्लीट कस्टमाइजेशन किया गया है एक थंडरबर्ड बाइक के ऊपर। हाँ जी। और इस पर हमने कुछ भी ग्राफिक वर्क अभी नहीं कराया क्योंकि एज पर कस्टमर्स डिमांड ही वॉन्ट्स टू डू इट हिमसेल्फ। ओके।
और काफ़ी सारे चेंजेस हमने इसमें करे हैं, ब्रॉड टायर आगे पीछे, कस्टम हैंडमेड मडगार्ड रहते हैं ये, जो मडगार्ड आप इस पर देख रहे हैं ये हाथ से मोल्डेड मडगार्ड होते हैं जो बनाए जाते हैं। डिजिटल मीटर लगाया गया है, टैंक पूरा चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं मीटर केसिंग जिस पे की क्रोम कराया गया है उसको लगाया गया है। आगे डोम आप देख रहे हैं जो उसमें लगाया है, नंबर प्लेट, इंडिकेटर्स, सीट और रियर में जो आप देख रहे हैं मडगार्ड के ऊपर जो लाइट लगी हुई है, तो ये सारे चेंजेस हैं जो इस बाइक पे किए गए हैं। और ये बाइक की अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसकी मॉडिफिकेशन कितने की बैठ सकती है, क्योंकि इसके अंदर एग्जॉस्ट भी काफ़ी यूनिक लगा हुआ है। एक बार स्टार्ट करके देखना ही चाहूँगा। जैसे अच्छा भैया एक बात है, जैसे ये वाला जो हैंडल होता है ये बहुत कम्फी होता है यार ये वाला, राइट? क्योंकि आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी जो हाइट होती है वो हाई है, आपको पकड़ने में इजी रहता है। भैया मेरे को ऐसा लगता है कि आप इंजन में तो कोई चेंजेस नहीं करते हो, बट साइलेंसर से आवाज़ इतनी ज़्यादा वो कैसे हो जाती है उसे? आवाज़ जो होती है वो इंजन में से जब निकलती है, हाँ जी, तो उसको बैंड पाइप के थ्रू निकाला जाता है। ओके। और जब उसमें अगर आप मान लीजिए अपने मुंह पे कपड़ा लगा के बात करेंगे तो आवाज़ कम होगी। ठीक ठीक। और जब उस पर कपड़ा हटा दिया जाएगा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो उसमें आवाज़ ज़्यादा होगी। तो उसी तरह से ये सिस्टम जो है वर्क करता है। कितने की इसकी कॉस्टिंग बैठेगी मॉडिफिकेशन? देखिए इसकी भी मॉडिफिकेशन कॉस्ट तकरीबन 155,000 रुपये के आसपास है। ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ एक्सेसरीज होती हैं जो कस्टमर अपनी चॉइस से लगाते हैं, जिससे कि इसका प्राइस अप डाउन वेरी कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बार एंड इंडिकेटर आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे लगाए हुए। ठीक है ठीक है, हाँ फर्क पड़ता है। एक चीज़ और, अभी अगर मैं अप्रॉक्सिक बजट की बात करूँ, अगर 1.5 लाख तक है बंदे का बजट, तो एक बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन राइडो 5 से निकल के आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। और 1.5 लाख में मैंने जैसे कि बताया कि हम आपको पिकअप एंड ड्रॉप भी देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से भी अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो हम आपको वो मॉडिफाई करके आपके घर पे डिलीवर भी कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब घर से उठाने से लेके पहुँचाने तक की जिम्मेदारी राइडो 5 की होगी और पैसा एक भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब ये वाली बाइक में मैं एक खास बात बताता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि अगर आपके पास एक रॉयल इनफील्ड है, आप अगर उसके अंदर ये वाले अलॉय डाल दोगे ना, और मुझे शुरू से ये बहुत पसंद है। ये जो रिम आप देख रहे हो, ये इनको स्पोक रिम बोलते हैं। ये जो विंटेज बाइक्स होती थी उसको जब हम चेंज करना चाहते थे, कस्टमाइज करना चाहते थे, जब अलॉय व्हील्स नहीं होते थे तो इस तरह की व्हील्स को यूज़ किया जाता था। और मैं बता दूं, जब मल्टी स्पोक व्हील होता है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें स्पोक ज़्यादा होते हैं। एक आते कंपनी से जो अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाले लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं, क्योंकि इसमें स्पोक्स ज़्यादा होते हैं, आई थिंक। राइट। देखिए कंपनी के लिए ऑप्टिमम लेवल लाना जरूरी होता है, उनके लिए जितने में काम हो गया दैट्स अ गुड डील। ठीक है। लेकिन अगर हमारे को लुक एनहेंस करनी है तो वी नीड टू एनहेंस द स्पोक्स ऑल्सो, बढ़ाने पड़ते हैं स्पोक्स। भैया ने, मैं जब आया था तो मुझसे एक बार डिस्कस करी थी कि कस्टमर आके ना अपने हिसाब से 5 बाइकें देखे और 5 में से 5-5 चीज़ें चुन के अपनी एक नई मॉडिफिकेशन तैयार कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, हैं? बिल्कुल। मेरे को भी ऐसे लग रहा है जैसे इसके अलॉय मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को वो वाली लुक है वो पसंद है, तो मैं इसके अलॉय मल्टी स्पोक उसमें डाल दूँ। राइट। डल तो जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल डल जाएंगे। और इवन इफ यू वांट कि उसको यार गोल्ड में कर दिया जाए, ओए होए होए होए, कत्ल हो जाएगा भाई। जिसने वो बाइक ले ली उसको स्पेशल शाउट आउट तो मैं ही दे दूंगा, क्योंकि वो बहुत दिल के करीब हो गई है। भैया कितने की मॉडिफिकेशन है? अगर इफ यू वांट गिव अ शाउट आउट इरफान, तो जो बंदा ये बाइक हमसे ले रहा है उनका नाम है मिस्टर हैदर। अच्छा, ले रहे हैं? ले रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो हैदर भाई आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। सारा टेस्ट उनका था? सारा, मतलब ऑब्वियसली कुछ जहाँ उनको चीज़ें नहीं कुछ पकड़ में आती है तो हम गाइड करते हैं, बताते हैं, और उनमें से ऑप्शंस में से जो उन्होंने सेलेक्ट किया वो ये भाई। हैदर भाई बिल्कुल आपको बिग शाउट आउट है माय कंट्री मार्केट की तरफ से, मेरी तरफ से और मयूर भाई की तरफ से, कि आपने लिटरली जो टेस्ट जो आपने डेवलप किया ना राइडो 5 पे आके, वो बहुत ही खूबसूरत है। और बिग शाउट आउट टू राइडो 5 एज वेल कि आपके टेस्ट को इन्होंने समझा और आपको इतनी खूबसूरत बाइक बना के दी कि अभी मैं जब इसे एक राउंड लेके आया हूँ तो लोग कम से कम नहीं तो 10 बार पलट के देखी है लोगों ने। बिल्कुल। इसकी कॉस्टिंग बता दें प्लीज़। ये जो बाइक है इसकी कॉस्टिंग लगभग 1,50,000 रुपये के आसपास, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये के आसपास आती है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया हम पिकअप एंड डिलीवरी भी देते हैं। ठीक है। तो ये तो एवेंजर लग रही है मुझे। बिल्कुल, ये एक एवेंजर कस्टमाइजेशन हमने की हुई है, जिसमें आगे पीछे मडगार्ड, टैंक, हैंडल बार, हाँ जी, हेडलाइट
साइड कवर्स पे रीपेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने चेंज की हुई हैं, अलॉय लगाए हुए हैं, ब्रॉडर टायर लगाए हुए हैं, ये एक अवेंजर को डिफरेंट लुक दे रहे हैं, डिफरेंट फील राइडर के लिए एक प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 लाख से नीचे है ये मॉडिफिकेशन? 85,000 रुपीज़ के आसपास की टोटल कॉस्ट आती है, विच इंक्लूड्स द पिकअप फ्रॉम द डोर ऑल्सो। अब यही मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आप ये बता रहे हैं पिकअप फ्रॉम डोर पैन इंडिया, वो कितनी कॉस्टिंग पे एप्लीकेबल है? 75,000 या उससे अबव की कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो आपके यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से हम फ्री पिकअप आपको देते हैं। ओके। और 1,50,000 या उससे ऊपर की कोई भी मॉडिफिकेशन आप हमसे करवा रहे हैं तो हम आपको ऑल ओवर इंडिया में फ्री पिकअप एंड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि प्रोफेशनल पैकिंग भी इंक्लूड होती है। बहुत बढ़िया। ये तो रही इंडिया की बात, विदेश का क्या प्लान है? विदेश का प्लान ऐसा है इरफान भाई कि हम अभी भी हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि कुछ अच्छी मॉडिफिकेशन उनको वहाँ पे मिले, अच्छे पैसों में मिले, तो हम यहाँ से उनके लिए प्रोडक्ट रेडी करके जैसे कि टैंक, मड गार्ड, सीट्स रेडी करके उनको भेजते हैं और वो वहाँ पे अपने लोकल लेवल पे फिटिंग करवाते हैं और उसको राइड भी करते हैं। तो मतलब वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं हम? बिल्कुल कर रहे हैं। अब अपने स्टोर की एक बार लोकेशन गाइड करो कि अगर कोई विजिट करना चाहता है, और कॉल की टाइमिंग्स क्या है वो भी एक बार बता दो प्लीज। अगर कोई व्यूअर मेट्रो से विजिट करना चाहता है हमारे पास, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है तिलक नगर, वहाँ से अराउंड 200 मीटर्स का वॉकिंग है, वॉकिंग डिस्टेंस है, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड अस ऑन गूगल मैप। अगर आप गूगल मैप पर राइडोफाई डालते हैं तो आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, क्योंकि गूगल मैप्स आपको समय भी दिखा देता है और डायरेक्शन भी। तो ईजिएस्ट वे इज़ गूगल मैप, सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज टू फॉलो गूगल मैप। और जहाँ तक रही टाइमिंग की बात, तो हम मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 7 o'clock तक यहाँ पे शोरूम पे रहते हैं, और फ़ोन कॉल्स पे हमारा टाइम भी सेम रहता है, वेनसडे इज़ आर ऑफ फॉर अस। भाई एक चीज़ मैं आपको बस एंड में इस वीडियो को क्लोज करने से पहले ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूँ। राइडो फाइव पे आज हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना नंबर ना छोड़े, और राइडो फाइव किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो पेमेंट अगर आप राइडो फाइव का करते हो तो आप प्लीज़ पहले कन्फर्मेशन कम से कम 10 बार करना और तभी ऑनलाइन पेमेंट करना, क्योंकि इजीएस्ट वे इरफान भाई इज टू हैव अ वीडियो कॉल विद आवर स्टाफ। बिल्कुल ठीक है। आप हमारे स्टाफ से बेशक वीडियो कॉल करें, आप उनको देखें, शोरूम देखें कि यार वी आर दे आर सिटिंग इन द शोरूम, बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स द बेस्ट सिक्योर्ड मैनर ऑफ देन पेइंग। और हमारा पेमेंट हमेशा हमारी कंपनी अकाउंट में आता है, बिल्कुल, और हमारी कंपनी का नाम है वारंटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आप बच के रहे क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की शराफत का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माई कंट्री मैरिट फैमिली का कोई भी इंसान 1 रुपया भी किसी गलत इंसान को दे। अगर आपको मॉडिफिकेशन करवानी है, आप आ नहीं सकते, पेमेंट करनी है, भैया से वीडियो कॉल पर बात करें, स्टाफ से बात करें और अपनी डील को मैच्योर करें। बाकी हम तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। तो इसी नोट के साथ लेते हैं भैया से अलविदा। भैया थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप इसी तरीके से मॉडिफिकेशन करते रहें और हमारे व्यूवर्स को अच्छी अच्छी बाइकें दिखाते रहें। बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय दोस्तों।